क्योंकि मैंने उसको टेलीफोन पे कहा था बधाई देते समय कि भाई मैं तेरे से बाघ मिठाई खाऊंगा और वो आज लेकर के आया तो उसने याद रखा। हाँ लक्ष्य बताइए जी। नमस्ते सर, मैं जैसे मैं यूथ ओलंपिक में जब मैं मेडल जीता था तब मैं आपसे मिला था और आज दूसरी बार मिल रहा हूँ, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं ऐसे ही और मतलब जब आप मिलते हैं तो हमारा काफी हम लोग मोटिवेटेड फील करते हैं वो फोन कॉल के बाद भी, और जब भी आप मिलते हैं तो मैं यही चाहूंगा कि मैं ऐसे ही इंडिया के लिए मेडल जीतता रहूं और आपसे मिलता रहूं और बाल मिठाई लाता रहूं। अच्छा लक्ष्य मुझे बताया गया कि तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गया था वहां? जी सर, जब हम पहुंचे थे जिस दिन उस दिन मेरे को फूड पॉइजनिंग हुआ था, तो मैं 2 दिन के लिए नहीं खेल पाया था, बट फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे जब ग्रुप स्टेज के मैचेस स्टार्ट हुए तब तक थोड़ा बेटर फील कर रहा था, तो फिर एक मैच खेला था, फिर एक मैच में फिर से रेस्ट किया था ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। नहीं कुछ भी खाने की आदत है कि क्या है? नहीं सर, वो एयरपोर्ट पे कुछ गलत खा लिया था शायद उस दिन, तो उसकी वजह से थोड़ा पेट खराब हो गया था, बट बाकी के जब टूर्नामेंट आगे बढ़ा तो मैं और दिन भर मतलब एक के बाद एक दिन बेटर फील करता जा रहा है। आज देश में छोटे छोटे बच्चों का भी मन करता है हमें जाना है जी, तो 8-10 साल के बच्चों के लिए तुम्हारा क्या संदेश रहेगा? जी जैसे कि मैं आपने विमल सर ने कहा कि मैं काफी शरारती था और काफी शरारत करता था, तो मैं खुद से तो यह कहना चाहूंगा कि मैं अगर थोड़ा कम शरारत करता और खेलने पे ध्यान देता तो ज्यादा अच्छा था, बट बाकी लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी काम करें दिल से करें और अपना पूरा ध्यान लगा के काम करें। फूड पॉइजनिंग होने के बाद फिजिकल तकलीफ तो हुई होगी लेकिन मानसिक तकलीफ तो बहुत हुई होगी, क्योंकि खेल चलता हो शरीर साथ न देता हो, उस समय तुमने जो बैलेंस रखा होगा ना, कभी आराम से सोच रहा कि वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सी ट्रेनिंग थी कि फूड पॉइजनिंग के कारण फिजिकल वीकनेस के बावजूद भी खेल तुम्हें चैन से बैठना नहीं देता था और तुम फूड पॉइजनिंग की स्थिति को भी पार करके आए, उस पल को एक बार फिर से याद करना, तुम्हारी बहुत बड़ी वो ताकत होगी तुमने किया होगा। 10 लोगों ने कहा होगा चिंता मत करो सब हुआ होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर भी एक ताकत होगी और मैं समझता हूं कि, और दूसरा ये तुम्हारा जो नचकटपन है ना छोड़ो मत इसको, वो तुम्हारी जिंदगी की एक ताकत भी है, उसे जियो मस्ती से जियो। चलिए बहुत बहुत बधाई। हूँ प्रणय बताइए, मैंने सही कहा ना, तुम्हारा ही ट्वीट था ना? हाँ सर, मेरा ही ट्वीट था सर। सर इट्स बीन अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज वी वन द थॉमस कप आफ्टर 73 इयर्स एंड आई थिंक इवन मोर प्राउड मोमेंट बिकॉज वी कुड विन इट फॉर अ कंट्री on our 75th year of independence, so I think that's a great gift for the country and I'm really happy. अच्छा पुणा है मलेशिया डेनमार्क ऐसी ऐसी टीमें और उसके खिलाफ क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में निर्णायक मैचों में जीतने का दारोमदार, और मैं समझता हूं वो समय सबकी नजरें प्रणय पर होगी, क्या रहा होगा उस प्रेशर में कैसे अपने आप को संभाला और कैसे एग्रेसिवली रिजल्ट दिया? सर काफी ज्यादा ही प्रेशर था सर उस दिन, स्पेशली क्वार्टर फाइनल्स के दिन, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ये मैच हार जाऊंगा तो हमको मेडल नहीं मिलेगा और हम लोग विदाउट मेडल वापस आना पड़ेगा, बट वो जो टीम का जो स्पिरिट था सर एंटायर टूर्नामेंट में और सभी का जो जोश था कि ये कुछ तो भी करके हमको मेडल लेके जाना ही है, वो स्टार्टिंग दिन से काफी एनर्जी दे रहा था सर एंटायर स्क्वाड को, एंड जब कोर्ट स्पेशली कोर्ट के अंदर जाने के बाद एक 10 मिनट के बाद मुझे लगा कि आज तो कुछ भी करके जीतना ही है, एंड आई थिंक सेमीफाइनल में भी सेम सिचुएशन था सर, बहुत ज्यादा ही प्रेशर था क्योंकि मुझे पता था कि अगर हम लोग फाइनल्स पहुंच गए तो हम लोग ये गोल्ड लेके आ सकते हैं, तो मुझे वो जीतना ही था सर, और एंटायर टीम के लिए सर थैंक यू बिकॉज वो लोग उधर थे सपोर्ट के लिए और बहुत ज्यादा ही एनर्जी दिया वो लोग, तो
कुछ तो करके जीत। देखिए प्रणय, मैं देख रहा हूं आप एक योद्धा है, खेल से भी ज्यादा आपके भीतर के अंदर जो एक विक्टरी का मिजाज है ना, वो सबसे बड़ी तुम्हारी ताकत है। और शायद जो तुम शरीर की परवाह किए बिना, इंजरी हो जाए जो भी हो कर लूंगा, वो उसी का परिणाम है, क्योंकि भीतर एक बहुत बड़ी ऊर्जा भी है और जज्बा भी है। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। उन्नति हुडा का उन्नति सबसे छोटी है। गुड इवनिंग सर। बताइए उन्नति सर। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ हेयर, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टुडे। और सर मुझे एक चीज बहुत मोटिवेट करती है कि आप कभी भी जो मेडलिस्ट है और जो नॉन मेडलिस्ट है उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। अच्छा, इतनी छोटी आयु में इतने बड़े सीनियर लोगों की टीम में जाना, और तुम्हारी टीम में तो ओलंपिक विजेता भी रहे हैं, तो क्या आपको मन को क्या लग रहा था? ऐसे ही दब जाती थी, नहीं नहीं मैं भी बराबर हूं, क्या लग रहा था? सर इस टूर्नामेंट से बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिला और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और बॉयज की टीम जीती और अच्छा फील भी हुआ, और यूं भी सोचा है कि अगली बार गर्ल्स की टीम को भी जीतना है और मेडल लाना है। अच्छा ये मुझे बताओ, ये हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है जो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकल रहे हैं? सर पहली बात तो दूध दही का खाना। उन्नति, ये मेरा और पूरे देश का विश्वास है कि आप अपने नाम को जरूर सार्थक करोगी। इतनी छोटी आयु में तुम्हें अवसर मिला है, आप इसको बिगिनिंग मानोगे, बहुत कुछ करना बाकी है। कभी भी चलो यहां हुआ है ये जीत के आए, ऐसा मन में कभी विजय तो घुसने ही मत देना, बहुत कुछ करना बाकी है। क्योंकि तुम्हें, तुम्हारे पास एक लंबा समय तुम्हारे पास है और बहुत छोटी आयु में तुम्हें अनुभव मिला है, और इसलिए इस सफलता को पचाना और आगे पहुंचना, ये दोनों चीजें तुम्हारे लिए बहुत काम आएगी। और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम इसे करको रहोगी। मेरी तरफ से तुम्हें बहुत शुभकामना है, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग सर। जी ड्रिजा, एज ए यंग प्लेयर इट्स ए ऑनर टू प्ले फॉर इंडिया। द कमिंग इयर्स आई विल मेक प्राउड इंडिया एंड गेट मोर मेडल्स फॉर आवर कंट्री। फैमिली सपोर्ट कैसा रहता है? सर पापा पहले फिजिकल एजुकेशन टीचर था, तो इज ऑलरेडी इन द स्पोर्ट, सो ही सपोर्ट करेगा अच्छा से बैडमिंटन खेलने के लिए। पहले घर पे एक कोर्ट, ही मेड ए कोर्ट देर, देन घर पे खिलाया। इसके बाद ऐसा नेशनल टूर्नामेंट स्टेट वगैरह पे मेडल आया, फिर ऐसा होप हो गया हाँ आ सकते हैं इंडियन टीम पे ऐसा। तो अभी फैमिली में क्या सबको संतोष है? हाँ सर। पिताजी तुम्हारे लिए जो मेहनत करते थे, नाउ ही सैटिस्फाइड?